तो इसमें प्रॉब्लम क्या हिलता है, तो हम पार्टी को बोले टाइम चाहिए हमको बूस्ट लाना होगा, तो बूस्ट अभी लेके आए, तो आज फिट करने वाला है। तो फ्रेंड इस वीडियो में बने रहिए, शुरू देखिए कैसा फिट करते हैं और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो और चैनल में नया तो फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो में। तो हम लोग को पीछे वाला जो चाका है खुलना पड़ेगा, पीछे वाला पहिया। तो फ्रेंड ज़्यादा हिलता भी नहीं है, हल्का सा हिलता है वो गाड़ी, थोड़ा ई जो है पीछे वाला टायर भी थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है, हिलता है। तो फ्रेंड एक्सेल को निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा काट काट के बनाएंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। मेन मेन जो पॉइंट होता है वो सब बता देंगे सिर्फ। चलो तो फ्रेंड वो जो फाइबर का जो चेन कवर है कॉल वाला निकाल दे, और ब्रेक का ये पाइप से थोड़ा सा निकालो तो पीछो। तो फिर हम लोग दो तीन आदमी लग गए ताकि जल्दी हो जाए, चेन को इस तरफ कर दे। तो फिर इसको निकाल लेते, इसका अंदर में वो एक्सल रहता है, ये एक्सल निकालना पड़ेगा। तो फिर 19 नंबर की गुटी हम लोग फंसा देते हैं। चलो खुलो, हम लोग की जो सर्विस किए थे टाइट भी किए थे, सोकर पर फंसा के हैंडल में। क्या होता है फिर कभी कभी वो हल्का सा अगर लूज हो जाएगा फिर भी हिलने लगता है, इसलिए हम लोग सोचे चलो ये टाइट कर लेते हैं। जब टाइट किए बेरिंग भी सही है तब हिलने का जो रीजन है मेन वो सस्पेंसर बुस्का ही होगा। हाँ ठेलो। तो फिर ये एक्सेल निकल गया, तो हम लोग निकालेंगे अभी इसको। चलो कैमरा पकड़ो। तो फिर वो इंजन का शायद पत्ते वो भी निकाल लेते। हाँ ठुकाओ। निकलता है ना, ये हटाओ ना, इस पॉकेट हटाओ, निकल जाएगा, निकलेगा नहीं, जाएगा कहाँ ये। वो ब्रेक का ही देखो फंस गया कहीं पे, देखो ब्रेक जितना आसानी देखने में फिर उतना आसानी नहीं है, थोड़ा दिक्कत भी होता है खुलने में। तो फिर देखिए निकल गया, सिर्फ एक अर्थ का तार फंस चुका है, फिर खुल चुका है अभी। धीरे से तो फिर देखें हम लोग का जो चेजी से निकल गया हफ्ते, अभी सस्पेंसर बूस का प्रॉब्लम देखते हैं।
निकालो। निकालो इसको। ऐसा ही छोटा सा भूसा था इस स्कूटी में। तो देखिए फिर यहाँ पे अंदर में बेरिंग होगा। इसको निकालो। एक मिनट, थोड़ा उस तरह उल्टा, तो थोड़ा उल्टा करो, उल्टा करो, उठाओ उठाओ, इस तरह उठाओ। अब इतना उसा है ना, इसको ठुकना पड़ेगा। निकाल दो। तो फिर इसका जो मेन रीजन था, इसका रीजन क्या था, देखिए ये जो है बेरिंग का जो पिन सब है, ये सब निकल गया है, टूट चुका है, ये सब ये निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा सही है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ठुको। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा इसमें मिट्टी तेल डालेंगे, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें खुलने में। वीडियो में बने रहिए। तो फिर इसमें जो हम लोग डीजल डाल दें ताकि जल्दी खुल जाए। और ये जो हो गया देखें, अब जो हम लोग निकालते भी बेरिंग है, इसको निकालते, बूस तो अपने आप निकल गया। ये बूस हल्का ठुक गया, निकल गया। और नया बूस जो है, नया बूस किधर गया, ये नया बूस है। थोड़ा सा फंसा के देखा तो आसानी से फंसा था, ऐसे फिट होगा यहीं पे, तब जाके ये बाइक सक्सेस हो जाएगा। जो बाबलिंग का हिलने का बीमारी था वो दूर हो जाएगा। देखो देखो फंस गया क्या। तो फिर ये जो है ये पुराना वाला बूस हो गया। ये तो बिल्कुल लगता है सही है, और एक जो है टूट चुका है। अंदर में जो बॉल सब रहता है लंबा टच आता है, जैसा बेरिंग में गुल्ली आता है, ये दूसरा बेरिंग हो गया। ये नहीं फंसेगा तो फिर थोड़ा दिक्कत में फंस गया। अभी दिक्कत क्या, ये तो बूस एक बेरिंग निकल गया, एक बेरिंग निकला, दूसरा वाला तो टूटा हुआ था, वो निकलता ही नहीं है। अभी करीब 10 मिनट हो गया हम लोग का, फिर हम लोग का माइंड थोड़ा फेल हो गया। अभी ले जाएंगे इसको गैस कटर से, पहले ई करेंगे, हीट करेंगे, हीट करके तब जाए ई निकलेगा, नहीं तो ऐसे निकलने वाला नहीं है। में दिक्कत भी है थोड़ा सा, ये तो का जैसे खुल दे, हम लोग तो बेरिंग बूस उस सब लेके भी आए हैं, तो हम लोग को तो फिट करना ही पड़ेगा। ये पहले हीट करेंगे, लेद में ले जाते, लेद में लेके वो हीट करके निकाल के लाते, तब जाके फिट करेंगे इसको। थोड़ा ठुको तो हथरा मारो, वो आराम से निकल जाए। ब्रेक साइड वाला निकल गया, वो जो मैग्नेट साइड वाला है वो नहीं निकलता है, वही टूटा हुआ था। चलो ले चलो। तो फिर ये जो बूस था हम लोग ले गए थे, जो गैस कटर से काटता है, वो गैस का जरूरत नहीं पड़ा, उसके पास हथियार था सही तरीका से। जैसा ठूका करीब 10 से 15 मिनट लग गया, वो निकल चुका है देखें। और एक ये था, ये भी खराब हो चुका है अंदर में, अरे बिल्कुल खराब हो चुका है। इसका जो बॉल सब है गुल्लिया था देखें, ये टूटा हुआ था, जिस कारण से ये बाइक हिलने का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, न्यू डालेंगे इसमें। न्यू बोइंग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर बोले बेरिंग डाल देंगे, तब ये बोल्ट डालेंगे। देखिए
ये न्यू वाला हो गया, एक्सेल भी लाए हम लोग ताकि पूरा कंप्लीट कर देंगे, ताकि दो तीन साल आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ग्रीस भी लगा लेते हैं, तो फिर हम लोग रेल का जो एक पट्टे है छोटा सा उल्टा दे और 24 नंबर का डालने के पास आते हैं। और भी रहेगा तो थोड़ा पुराना उसका मदद लेके चुके थोड़ा सा अगर सेंटर इसमें ये अरे की है ना, ये अगर फंसेंगे नहीं फंसेगा तो थोड़ा आप इसमें अंदर ठुक देंगे, अभी इसको ठुक लेते करें। ये जो है ये बूस्ट पुराना वाला है, रबर सब होता है ना, तो फिर ये सब अभी साफ करके ऐसे फंसा देंगे। देखिए फंस चुका है, इधर भी होगा तो ऐसे फंसाएंगे। वीडियो में बने रहिए, अरे फसो ना जैसे इस तरफ फसो, अभी इसको फसाना इंजन मेन पल्ला का सब जाएगा। इसमें एक आर्थ का तार घुसा हुआ रहता है अंदर से, तो ये जाएगा इस तरफ, इस तरफ जो वाला ब्रेक रखता है थक्कर बोल का जो ये आता है रॉड, इस तरफ आएगा। तो फिर देखिए ये थोड़ा सा आ जाएगा, तो फिर ये फट चुका है, आराम से चल जाता है इजीली। नहीं नहीं गिरी देना नहीं, ऐसे चल रहे। तो फ्रेंड देखें ये बूस फट चुका है, जैसे अभी एक्सल काटेंगे और जाम हो जाएगा। फ्रेंड ये जो चेन घूमता है चेन इसमें लगता है कि रबर, ये अगर नहीं रहेगा कोई दिक्कत होगा तो आवाज आएगा, इसको भी फंसा लेते हैं, इधर फंसेगा घाट, चलो फंसा इजीली फंस गया, थोड़ा सा हथुरा मारते हैं, फिक्स हो चुका है। आप धीरे धीरे सस्पेंसर का बूस्ट का जो काम था वो हो चुका है। अब क्या करें, हम लोग एक्सेल भी लाए, एक्सेल भी फिट कर देंगे। अगर कोई पूछना चाहता है टोटल पार्ट्स कितना का लग चुका है, यहाँ पे देखिए हम कोशिश करते हैं 582 का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 582 का टोटल आ गया, इतना सारा लगता है सब लगा दिया।
सही से दिखाओ, दिखाई देता है क्या 582? थोड़ा जूम करके दिखाओ। तो फ्रेंड कंप्यूटर बिल है, देखिए 582 रुपये, दिखाई नहीं देगा, बहुत कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। 582 रुपये तो फिर फंस चुका, फंसा एक्सेल जो इंजन का एक एलिंकी रहता है वो? हाँ आ गया। चलो तो फिर बार की नाट है, ये फंसा लेते हैं, टाइट तो बाद में कर लेंगे, अभी सिर्फ फंसा लेते। तो फिर देखिए ये जो थ्रेड है एक्सेल का, सस्पेंस का जो मेन एक्सेल होता है, ये अगर लूज भी रहेगा नाट तो गाड़ी हिलने शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही लगता है, थोड़ा भी फॉल्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा देखें यहाँ पे जो बूस का सिस्टम है यहाँ पे फंसता है, थोड़ा सा इसमें घाट बन गया है इतना सा जगह, इधर भी हम लोग इसलिए क्या करेंगे नया एक्सेल लगा देंगे, न्यू एक्सेल है, ये फंसा देंगे अभी। देखिए फिर सेम है, न्यू जो है थोड़ा सा छोटा होता है, देखें थोड़ा सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लग जाएगा। ये करो इसमें ग्रिल डाल के एक्सेल फंसा दो न्यू। अब आ गया नाट का बारी, नाट क्या करेंगे, नाट का बारी आएगा, 21 रुपये दाम है इस नाट का। तो अभी नाट तो ये कंपनी का था, ये देखिए ये वासा सिस्टम है, ये वासा नहीं है, तो ये नाट सही है, ये प्रॉब्लम नहीं है नाट में, तो नाट हम लोग यहीं लगा देंगे। आ गया ना, ठीक है, मारो टाइट। तो फ्रेंड्स हम लोग टाइट करते हैं, छोड़ दो अभी पीछे वाला पार्सल कर लेते हैं, बाद में फुल टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड लगभग हो गया, अभी हम लोग क्या करेंगे चेन इस तरफ लाएंगे और जो सोकर का जो बोल्ट होल है ये सब फंसा देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सिर्फ ये सब फिट करेंगे, तो चक्का भी फिट करने वाला है अभी। तो फिर सोकर का जो वो ये बोल्ट है वो फंसा दे, 12 नंबर का बोल्ट होता है इसमें। चलो तो फिर जब 4 गियर 5 गियर में चलते है एवेंजर बाइक, तो जो बाबलिंग का जो प्रॉब्लम था हिलने का वो 100% सही हो जाएगा अभी। तो फ्रेंड्स एवेंजर जैसा पल्सर में ज़्यादातर होता है, एवेंजर में कम होता है, और पल्सर में टाइम भी नहीं लगता है सस्पेंसर बूस बदलने के लिए, एवेंजर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, करीब हम लोग का 1 घंटा 5 या 10 मिनट हो चुका है। हम लोग वीडियो तो थोड़ा काट के बनाते हैं, जहाँ पे मेन पॉइंट होता है वही सब बता देते हैं, हल्का फल्का दिखा देते हैं। तो फिर चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम लोग का जितना सारा बाइक आता है रिपेयरिंग करने के लिए, अगर टाइम मिलेगा हायर बाइक का रिपेयरिंग जो हम लोग वीडियो करते हैं, सभी वीडियो यूट्यूब में अपलोड करते रहेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी में प्रेस कीजिएगा, ताकि फिर नोटिफिकेशन आपका पास सबसे पहले पहुँच जाए। अगर सिर्फ सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन घंटी प्रेस नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा, टाइम लग जाएगा, और बेल आइकन घंटी पर प्रेस कीजिएगा तो नोटिफिकेशन जैसे हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब में तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा।
तो फ्रेंड ये बाइक लगभग कंप्लीट, अभी थोड़ा सा कपलिंग रबर जो है इसे वाला चक्का में लगता है, कपलिंग रबर थोड़ा अप एंड डाउन करता है, ढक टाइप का हो गया वो थोड़ा ट्यूब से हम लोग जाम करते हैं। ये बाइक चला के भी दिखा देंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे वीडियो को, पूरा बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो फ्रेंड लगभग चक्का फंस चुका है, सिर्फ एक्सेल फंसाना बाकी है अभी, सब टाइट हो चुका है ना। टाइट हो चुका है फुल, तो अभी क्या करते हैं इसका जो एक केप आता है स्टील कलर का, केप फंसा देते, हो गया बिल्कुल सही, इसका काम कंप्लीट। तो फिर जो एवेंजर का सस्पेंसर का जो प्रॉब्लम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, 100% बिल्कुल सही हो चुका है। देखिए ये जो बूस उस था ये सब हम लोग बता दें, ये रोलर बेयरिंग हो गया, बेयरिंग में चेंज हो गया, एक देखिए ये जो बेयरिंग के अंदर जो गुल्ली आता है लंबा टाइप का गुल्ली आता है, तो ये पूरा खराब हो चुका है। और एक्सेल उक्सेल जितना था सब जेन्युइन लगे, 582 का हम लोग का पार्ट्स लग गया फ्रेंड, और हम लोग का भी मजदूरी जितना लेंगे ले तो हम लोग का बात है, इसमें करीब 2 से 3 घंटा का काम होता है, अगर सिंगल आदमी रहेगा तो, क्या हम लोग 2-3 आदमी था इसलिए करीब फिर भी 1 घंटा 15 से 20 मिनट लग गया कंप्लीट। तो फिर तो आप क्या करेंगे ये बाइक चला के भी दिखा देंगे कैसा चलता है, ये सक्सेस हुआ कि नहीं है चला के भी दिखाएंगे, तो फिर वीडियो में बने रहिए। तो फिर ये सर्विसिंग आ गया, ये हो गया एवेंजर, अभी हम लोग चला के दिखाते हैं। बिल्कुल सही हो चुका है, थोड़ा सा भी अभी हिलता नहीं है, जैसा न्यू में चलता है वैसा ही चलता है, बाबलिंग भी नहीं होता है बाइक। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियो जितना भी हम यूट्यूब में अपलोड करेंगे आपका पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड वीडियो आज के लिए एंड करते हैं।